गाइस लॉकडाउन वापस होने वाला है। लास्ट ईयर मार्च में होता, ये साल अप्रैल। दिस इज लाइक अ कंप्लीट वन ईयर एनिवर्सरी। नॉस्टैल्जिक एफ टीबीटी। आई एम सो एक्साइटेड। लॉकडाउन, पागल हो जाऊंगा मैं। एक और बार अगर मैंने लॉकडाउन देखा मैं पागल हो जाऊंगा। मुझसे नहीं देखा जाएगा, मुझसे दलगुना कॉफी तो बिल्कुल नहीं देखी जाएगी सालो। एक और बार मैंने वो फटी कॉफी देखी ना, किसी को फाड़ दूंगा मैं। और नहीं खेला जाएगा मुझे इन कुत्ती के बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ लूडो। फिर आओगे संडे को, कुकिंग करोगे, टट्टी के नाम पे मफिन बनाओगे। फिर मंडे को आओगे, ऐसे वाकड़ा होके मेंढक की तरह लाइव आके योगा करोगे तुम लोग। मुझसे नहीं देखा जाएगा, प्लीज मास्क पहनो, मैं मर जाऊंगा। अभी फिर से लॉकडाउन आएगा, अभी तो मेरे को घर पे वीडियो बनाने पड़ेंगे वापस। लॉकडाउन विद परिवार वापस, लॉकडाउन के साइड इफेक्ट्स फिर से, ऑफिस एग्जाम और वैक्सीन द्वितीय, डीलर दोबारा। तो जैसा कि आपने देखा कि आशीष चंचलानी को लग रहा है कि लॉकडाउन दोबारा लग सकता है, और इस लॉकडाउन को लेकर वो बहुत ही नाराज दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही निराश दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर ये वीडियो पोस्ट किया है, और अपने फैंस के साथ उन्होंने बताया कि वो लॉकडाउन में कितने परेशान थे, और अब जो लॉकडाउन लगेगा उसमें भी वो बहुत परेशान होने वाले हैं। लेकिन उनको ये उम्मीद है कि लॉकडाउन ना हो, लेकिन उनको लग भी रहा है कि लॉकडाउन लग सकता है, क्योंकि मुंबई के अंदर जो केसेस है वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं COVID-19 के। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर लाते रहते हैं। सो हे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टे होम, स्टे सेफ।